हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। और कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो ये है मॉर्निंग का टाइम और मैं सोच रही हूँ ब्रेकफास्ट में क्या बनाऊँ, पता नहीं क्या बनाऊँ, समझ नहीं आ रहा है। तो मैं सोच रही हूँ पोहा बनाऊँ, तो समझ तो नहीं आ रहा है, बट देखते हैं क्या बनाते हैं। डेली सुबह का यही है कि बनाएं क्या नाश्ते में, बनाएं क्या। तो मैं सोच रही हूँ क्या बनाऊँ, तो फिर देखते हैं जो बन जाए, है ना। डेली क्या बनाया बताओ, सोच सोच के दिमाग ख़राब हो जाता है कि डेली नाश्ते में क्या बनाए। तो चलिए बनाते हैं कुछ नाश्ते में। तो अब भी चलिए मेरे साथ, मैं क्या बनाती हूँ आप भी देखेंगे ना। चलो मैंने सोचा था कि मैं पोहा बनाऊंगी, बट पोहा ख़त्म हो चुका था, तो मैंने बनाया है सेवई नाश्ते में। तो अभी हम लोग बना रहे हैं पुटका साग का चटनी। तो इसके लिए हमको चाहिए पुटका साग को, हम सूखा वाला पुटका साग को हम लोगों ने भिंगा दिया था, और इसमें हम लोगों ने डाला है लहसुन और मिर्ची, हरा मिर्ची, और इसमें डालेंगे हम लोग टमाटर और नमक। ये गया नमक। और ये रहा टमाटर। अब इसे ग्राइंड करेंगे हम लोग। डा काटी कुंदर कर दिलाते ना। तो अब इसमें डालेंगे हम लोग थोड़ा सा पानी, क्योंकि ये पिस नहीं ही रहा है, ये हो चुका है। जो मेरी सिस्टर इन लॉ है, उन्होंने बनाया है आज पुटकल साग का चटनी। तो आप देख सकते हैं, इसका प्रोसीजर भी आपने देख लिया होगा। तो अभी मैं इसको टेस्ट करती हूँ, कैसे लगता है पता नहीं मुझे, तो मैं टेस्ट करके बताती हूँ आपको कैसे लग रहा है। अच्छा चलेगा। अच्छा पहली बार पुटका साग का चटनी खाया है और अच्छा है, खाना चाहिए कभी कभी, खाना चाहिए, अच्छा है, बहुत अच्छा है, खाना चाहिए। आप लोग भी एक बार ट्राई कर सकते हैं ये रेसिपी, चटनी वाला रेसिपी। सो देख लीजिए, अच्छा है, बट मिर्ची थोड़ा ज़्यादा हो गया मेरे लिए, मिर्ची में ज़्यादा नहीं खाती इसीलिए।